भारत के लिए करो या मरो का मैच, हारे तो सीरीज गंवाएंगे, जाने संभावित प्लेइंग 11। टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज बचाने के लिए रविवार को करो या मरो के दूसरे वनडे में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। रांची में हारते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम घर में लगातार दूसरी सीरीज गंवाएगी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 2015 में भारत की धरती पर 5 मैचों की सीरीज 3-2 से जीती थी। भारतीय टीम 12 सालों से अपने घर में दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज ने जीत सकी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अब तक 12 द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली है। इनमें भारत ने 4 तो दक्षिण अफ्रीका ने 6 सीरीज में जीत दर्ज की है। एक सीरीज ड्रॉ रही और एक का कोई परिणाम नहीं निकल सका। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में भी इस साल हुई वनडे सीरीज 0-3 गंवाई थी। लखनऊ में हार गई थी टीम इंडिया। इस समय सभी निगाहें T20 विश्व कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम के अभ्यास मैचों पर है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज में उन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो ऑस्ट्रेलिया जाने से चूक गए। दीपक चाहर चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। लखनऊ में हुए पहले मैच में भारतीय टीम 9 रन से हार गई थी। सीरीज में भारत अभी 0-1 से पीछे चल रहा है। शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत। पहले मैच में मोहम्मद सिराज और आवेश खान प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर सके। संभावना जताई जा रही है कि बंगाल के पेसर मुकेश कुमार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिल सकता है। पहले मैच में श्रेयस अय्यर ने अर्धशतीय पारी खेली थी। वह T20 विश्व कप की स्टैंड बाय सूची में है, इसलिए उन्हें बल्लेबाजी में आगे बढ़कर प्रदर्शन करना होगा। पहले मैच में असफल रहे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को भी अपने स्तर में सुधार की जरूरत है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि संजू सैमसन फॉर्म में है। हालांकि पदार्पण के 7 वर्ष बाद भी वह टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर सके हैं। सैमसन ने लखनऊ में 63 गेंदों में 86 रन की नाबाद पारी खेली थी। वही खुश मिजाज शिखर धवन श्रीलंका वेस्ट इंडीज में सीरीज जीतकर अपनी नेतृत्व क्षमता दिखा चुके हैं। धवन को उम्मीद होगी कि वह टीम को ठोस शुरुआत देंगे। वही उनके जोड़ीदार शुभमन गिल भी अपनी साख के अनुसार खेलना चाहेंगे। सुपर लीग के लिए अंक जुटाना चाहेगी दक्षिण अफ्रीका। दूसरी ओर तेंबा बाबूमा की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका की टीम अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप के लिए स्वतः क्वालिफाई करने के लिए सुपर लीग के लिए अंक जुटाना चाहेगी। हालांकि कप्तान बाबूमा फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके बल्लेबाज डेविड मिलकर ने T20 के बाद वनडे में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ककिसो रबाडा की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका का गेंदबाजी आक्रमण भी भारत की उपेक्षा मजबूत है।